Students, welcome to class first. Today we are doing question answers of chapter 3, looking after my body. Put down date 31/8/2020, stage 3rd. Give very short answers for the following. Give very short answers for the following means shortcut में हमें question answers करने हैं. First question is here. Question number first. At what time do you wake up in the morning? Means आप morning में कितने बजे उठते हो? कितने बजे wake up? Wake up means होता है उठना. सुबह आप कितने बजे उठते हो? At what time do you wake up in the morning? तो सब अपना टाइम लिखेंगे. वैसे प्रॉपर टाइम जो होता है वो होता है 5 o'clock. सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमें उठना चाहिए और वो होता है सनराइज से पहले. At 5 o'clock. 8 at 5 o'clock. आंसर क्या है? At 5 o'clock. Then next question. Question number 2. How many times do you cut your nails in a week? Means 1 week में आप अपने nails कितनी बार काटते हैं? 1 week में हमें हमारे nails 1 time में काटने चाहिए. 1 time only. So answer is once in a week. क्योंकि ज़्यादा बार काटेंगे तो हमारे नेल्स ज़्यादा कट जाएंगे तो हमारी स्किन पे भी दर्द होगा. स्किन भी कट सकती है तो हम वर्क करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे. इसलिए हमें वीक में वंस ही यानी एक बार ही हमें नेल्स कट करने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट एनी 2 things दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. मीन्स अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप कौन सी 2 चीज़ें करते हैं? तो उसका आंसर है, जो भी आप करते हो वही आपको लिखना है. फर्स्ट, आई डू एक्सरसाइज डेली. मीन्स आप एक्सरसाइज करते हैं डेली. मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली. आई डू एक्सरसाइज डेली फर्स्ट. सेकेंड, I am wash my hand before and after meal. जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे पहले और बाद में हम हमारे हाथ साफ करते हैं. In last make C design and star. Do this work in your EVS notebook in proper writing. First you learn these question answers and then you write so there is no mistake in your notebook. Prepare this. Thank you.